डिवाइन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमारे डिवाइन परिवार के जो यूट्यूब चैनल पे हैं उस पर लगातार आपको वीडियो मिल रही हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। आप बराबर हमारे साथ लगे हुए हैं, जिस प्रकार से तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो रही हैं, उस सबको प्यार और सब स्नेह देखते हुए हम लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र में एकदम नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि जब तक आपका बराबर सहयोग, इसी तरह आपका सहयोग आपका मिलता रहे और मिलता रहेगा तो हम अपने क्षेत्र को एकदम बिल्कुल बुलंदी पे खड़ा कर देंगे और आगामी आने वाले परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए आप हमारा ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब के माध्यम से अच्छी पढ़ाई करें, अपना अच्छा से अच्छा भविष्य उज्जवल बनाएं। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की क्लास में, वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जीव विज्ञान। जैसा कि शुरू से आप विज्ञान के बारे में पढ़ते चले आ रहे हो, विज्ञान जो है वो तीन पार्टों में है। तीन पार्टों का मतलब भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। सभी विज्ञानों का अपना अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग रूपरेखा है, तो उसको देखते हुए जो आज का चैप्टर हम लेकर आए हैं, विज्ञान का जो चैप्टर है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के हम कोई विशेष चैप्टर नहीं बल्कि 30 क्वेश्चनों की एक माला लेकर आए हैं। उन 30 क्वेश्चन जो आगामी एमटीएस की परीक्षा जो ऑनलाइन समय चल रही है उसको देखते हुए 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनाए हुए हैं, वो आपको हम देंगे। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान की क्लास। जीव विज्ञान को लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसका एक एक हम आंसर आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, शायद अधिकतर बच्चों को पता है कि जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कौन है। यहां से लेते हैं जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का जन्म दाता कौन है। ठीक, बोलो बच्चों, उसका जन्मदाता है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन है? अरस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। लिखते हैं मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। बोलो भाई कौन सा तत्व पाया जाता है। बच्चों वो तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में रक्त, ठीक है, मैंने क्या कहा कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता, रक्त का
निर्माण कहाँ होता है? होता है, बोलो भाई, वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं। विकास का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेते हैं क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बोलो भाई, विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन। डार्विन, डार्विन ने किया, डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? कैंसर के उपचार उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट 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 यानी उत्कृष्ट गैस कौन है? ठीक है, लेते हैं। वो कौन है? रेडान है। क्या है? रेडान गैस है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन है, शहद की मक्खी में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है या क्या पाया जाता है? उसके विष में क्या पाया जाता है? शहद वाली मक्खी में, वाली मक्खी, ठीक, मक्खी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कौन, किस प्रकार का विष पाया जाता है? में किस प्रकार का विष होता है? ठीक, वो विष अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो भाई, मानव का सबसे व्यस्त अंग अंग है क्या है बच्चों? हृदय है। क्या है? हृदय है, हृदय है। चलो हृदय सही है। चलिए भाई आगे लेते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? फिर लेते हैं, कौन बताया हमने कि मानव के हृदय में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ होते हैं, बोलो भाई। चार कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। अगला हम सवाल लेते हैं। लार यानी लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? अर्थात लार ग्रंथ से निकलने वाले, लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को
को क्या कहते हैं? चल भाई भाई बोलो भाई, लारगन से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? उसे डिलीट करो बच्चों, लारगन से निकलने वाले रस को लार ही कहते हैं, ठीक है, यही कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बोलो बोलो भाई, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बोलो भाई, निषेचन के बाद ठीक, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग, जो है वो फल में बदल जाता है, बोलो भाई बोलो, वो है अंडाशय। चलो भाई अगला क्वेश्चन उठाते हैं बायोलॉजी से ही, पुष्प वाले पौधों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? पुष्प वाले पौधों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बोलो भाई, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? वो बीजांड में होती है, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, बीजांड। चलो भाई अगला लेते हैं, अनुवांशिकता की इकाई कौन मानी जाती है? बताओ अनुवांशिकता, क्वेश्चन लेते हैं पहले, अनुवांशिकता की इकाई कौन मानी जाती है? बोलो भाई, वो मानी जाती है क्या? जीन होती है, क्या होती है? जीन। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बताओ गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बने होते हैं, बोलो भाई, ये काहे बने होते हैं? प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। लिख देते हैं, प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है?
यानी कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में अनुवांशिक अनुवांशिक पदार्थ, कहने का कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए वो कौन सा है, वो है डीएनए। कौन है? डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण हैं कि जीवों के जो लक्षण हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते, जीवों के लक्षण किसके द्वारा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हाई स्कूल लेवल के हैं पूरे क्वेश्चन, बोलो भाई हाई स्कूल लेवल के हैं बच्चों ये, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। काहे के द्वारा? जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो अभी हमने बताया जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीन द्वारा। बच्चों ये वास्तव में जैसे आपके रेलवे के जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसके, यानी उसमें सीधे सीधे का हाई स्कूल लेवल के है, तो ये कंपटीशन लेवल के, लेकिन हाई स्कूल देखो जो कंपटीशन का लेवल होता है कहीं बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि यही क्वेश्चन जो हाई स्कूल जैसे आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक हैं, वो चाहे बहुत भौतिक विज्ञान हो, रसायन हो, जीव हो, संविधान हो, या आपका भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, है ना, ये सब चीज़ें बस यही 6 से 12 तक की जो पुस्तक एनसीईआरटी लेवल की होती हैं इसी सब क्वेश्चन तैयार होते हैं। लेकिन जो हाई स्कूल की 16 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है उसको उसको भी देखते हुए और उसके साथ साथ कंपटीशन को देखते हुए इन 30 क्वेश्चनों को इम्पॉर्टेंट बिल्कुल बताए गए हैं। आप आगामी एमटीएस की परीक्षा जो लग गई है वो एमटीएस की परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो जीन द्वारा नियंत्रित होते, काहे के द्वारा? जीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बोलो भाई। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बोलो भाई क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद, अगला क्वेश्चन है कि हाल में यानी दाल में मुख्यतः पाया जाता है, दाल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, दाल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बोलो भाई। वो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और आपको पता होना चाहिए अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, बोलो भाई बिजली घर किसे कहते हैं, वो बोलो भाई कुछ बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चाहिए, वो माइटोकांड्रिया को कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं, काहे को?
माइटोकांड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने, एकदम बहुत छोटे लेवल पर, कोशिका की खोज किसने की। अब बिल्कुल ये सरल क्वेश्चन है भाई, इसको किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। चलिए आगे देखते हैं, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह, बोलो भाई, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, समूह क्या कहलाता है, बोलो भाई। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसे कहते हैं ऊतक। क्या है, ऊतक। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक है, बोलो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो एक संयोजी ऊतक है। कौन है वो, एक संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन लेते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहां विद्यमान होती हैं, लेते हैं ऐच्छिक पेशियां कहां विद्यमान होती हैं, विद्यमान होती हैं, बोलो भाई। ऐच्छिक पेशियां कहां विद्यमान होती हैं, वो कंकाल तंत्र में विद्यमान होती हैं, कंकाल तंत्र में विद्यमान होती। अगला देखते हैं, जीवों के स्तर पर सबसे ऊपर होता है जगत, लेते फिर पहले लिख देते हैं, जीवों के स्तर पर सबसे ऊपर कौन होता है, जीव जगत। अगला है, पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बे के रूप में क्या पाया जाता है। ये ओरल रहेगा, पेड़ों के छालों पर जो रंगीन धब्बे के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लाइकेन कहते हैं। समझे हमारी बात, कुछ हम ओरल बता रहे हैं भाई। पेड़ों के हमने बताया कि लाइकेन होता है। जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ काहे का है, यानी जंतु जगत में सबसे बड़ा जो संघ है वो किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। काहे का है, आर्थ्रोपोडा का है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम ये ओरल क्यों दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा वीडियो देखो, इसको बढ़ाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला है, किन जीवों का शरीर कवच से ढका होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किन जीवों का जो शरीर कवच से ढका होता है, वो मोलिस्का, काहे का, मोलिस्का जीव जो होते हैं उनका ढका होता है। अच्छा भाई, सरीसृप वो कौन सा प्राणी है सरीसृप में, जो घरों में पाया जाता है, बोलो भाई। सरीसृप वो प्राणी जो घरों में पाया जाता है, उसका नाम है छिपकली। देखा होगा आपने छिपकली। अगला है,
मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? बहुत सरल, सबसे पहले अगर कंपटीशन तैयारी करते हुए ये सब क्वेश्चन नॉर्मल होती हैं। ठीक, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट जानते हो, 7.4। ठीक, अगला लास्ट जो तीस नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था कि जीव विज्ञान के हम 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, उन 30 क्वेश्चनों में जो लास्ट का क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस कारण से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस कारण से होता है? वो जीवाणु द्वारा होता है। काहे द्वारा? जीवाणु। ठीक, तो ये हमारी वीडियो समाप्त होती है और इसमें हमने जो जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दिए, ये 30 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आगामी आने वाले परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर 3 नंबर, हम तो कहते 30 के 30 फंस जाएं, लेकिन कंपटीशन में भी एक मर्यादा है क्योंकि हर विषय का एक समावेश होता है। उन समावेशों को देखते हुए क्या है कि ये वीडियो बनाई गई है।